हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट फूड औरंगाबाद। आज हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसकी औरंगाबाद में 28 साल पुरानी हिस्ट्री है। उनकी फर्स्ट मेन ब्रांच जो थी वो है सिटी में, जो कि निराला बाजार में है। सेकंड ब्रांच उनकी अभी जो खुल गई है, दो साल उसको हो चुके हैं, वो है सुदगिरनी चौक पे। और ये जो चीज हम आज खाने जा रहे हैं वो गर्मी के दिनों में सबसे बेस्ट उसका फील आएगा, और वो है आइसक्रीम। हम खाने जा रहे हैं सॉफ्टी आइसक्रीम, आपने सही गेस किया। सॉफ्टी कॉर्नर पे आज हम जा रहे हैं, उनकी सेकंड ब्रांच पे जो कि है सुदगिरनी चौक पे। उनके मेन ब्रांच के जो ओनर है और जो न्यू ब्रांच है जो कि फ्रेंचाइज उनकी शुरू हुई है, दोनों ही मेरे क्लासमेट्स हैं। आज उनसे भी हम मिलेंगे। और वहाँ की सॉफ्टी टेस्ट करेंगे और नए नए डिशेस भी उन्होंने उसमें शुरू किए, वो भी हम आज ट्राई करेंगे। तो चलते हैं आज सॉफ्टी कॉर्नर। तो आ गए हम सॉफ्टी कॉर्नर में, अभी चलते हैं अंदर देखते हैं। तो ये इनका मेनू सॉफ्टी कॉर्नर सिंस 1993। ये सब आपको कोन में मिलेगा, सॉफ्टी कोन्स में। तो इसमें से हम एक इनका जो फेमस है चॉको डिप, ये मंगा रहे हैं। थिक शेक्स इनके पास है, कप में भी सॉफ्टी मिलेगा। और मस्तानी के इतने सारे फ्लेवर है, रॉयल मैंगो अंजीर। तो मेरा फेवरेट तो मैंगो मस्तानी है, तो मैं एक मैंगो मस्तानी ऑर्डर कर रहा हूँ। और फालूदा, फ्रेश क्रीम और वॉफल्स भी है इनके पास, तो एक इनमें से एक वॉफल भी हम एक ट्राई करेंगे, वो जो सबसे अच्छा सजेस्ट करेंगे। इसकी रेंज आप देख सकते हैं। तो ये इनका मेनू कार्ड है, ये मैंगो मस्तानी ऐसा दिखेगा। ये बहुत ही अच्छा मेनू दिख रहा है, एकदम फ्रेश। ये एक सॉफ्टी कोन है शायद, मैं ये इसको ट्राई करना चाहूँगा। मैं ये एक ट्राई करूँगा। मैं ये सामने है सुदगिरनी चौक, वहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेडियम का रोड है ये। यहाँ से यहाँ पे पंकज कुमार की जो शॉप है वो है, हीरा पाव भाजी एक है। तो जस्ट इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है सॉफ्टी कॉर्नर। ये लेफ्ट में रोड जाता है शिवाजी नगर। सबसे पहले हम देख रहे हैं मैंगो मस्तानी, तो उसका प्रोसेस देखते हैं कैसे बनता है। तो ये मैंगो पल्प है सबसे पहले। अच्छा, ड्राई फ्रूट पैक्ड होता है आपके, मतलब क्वांटिटी सब में सेम जाएगा। सेम क्वांटिटी सेम। ये थिक मिल्क, थिक मिल्क। ये वैनिला फ्लेवर, अच्छा सिर्फ थिक मिल्क है। थिक मिल्क ये ठंडा करता है। वैनिला आइसक्रीम ऊपर से बढ़िया एकदम, और फिर से और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स
तो ये ऑलमोस्ट हमारी मैंगो मस्तानी हो गई है तैयार, मैंगो पल्प। क्या दिख रहा है ये, हाय हाय हाय। इसके अंदर था मैंगो पल्प, फिर ऊपर से उन्होंने मिल्क, थिक मिल्क डाला है, उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स, फिर ये उसको मिक्स किया पहले, और फिर वेनिला आइसक्रीम, और फिर से और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाले, और अभी इन्होंने एकदम फ्रेश सर्व किया है। सब कुछ इतना सॉफ्ट है, और ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स है उनका क्रंचीनेस जो आ रहा है हर एक बाइट में। मस्तानी वैसे फ्लेवर तो बहुत सारे इनके पास, लेकिन जो मैंगो फ्लेवर होता है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। मैंगो की जो फ्रेशनेस है, मैंगो पल्प है, और ये जो फ्रेश क्रीम मिल्क, थिक मिल्क, और इन्होंने आइसक्रीम जो डाला है, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसका, वेरी गुड। प्रमोद बाबर सॉफ्टी कॉर्नर के सुदगिरनी एरिया का जो इनका शॉप है उसके ओनर। इसका फर्स्ट ब्रांच जो है वो है निराला बाजार में, तो उसके ओनर है जाजू, जाजू फैमिली है, तो उधर रुना जाजू एक है, तो वो भी मेरा ही क्लासमेट है, और प्रमोद बाबर जो यहाँ के ओनर है, हम तीनों ही क्लासमेट है, हम 13-14 साल से एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ की शॉप जो है वो फैमिली संभालती है, और यहाँ इन्होंने इसका फ्रेंचाइजी लिया है, तो सुदगिरनी एरिया में ये सॉफ्टी कॉर्नर इनके पास है। तो ये प्रमोद बाबर। तो वॉफल्स बनाने की एक अलग से मशीन होती है ना, टेम्परेचर मेंटेन करना, तो इसमें कितनी देर में बन जाता है? 5 मिनट लग, अभी 5 मिनट का टाइमर लगा दिया इसके अंदर, तब तक ये तैयार हो जाएगा। तो ये वॉफल तैयार हो गया है, अभी इसको अच्छे से कट कर रहे हैं, एग्जैक्ट शेप उसको दे रहे हैं। आता सॉफ्ट है, नंतर कडक होईल ना की नाही? चॉकलेट आइसक्रीम, वैनिला आइसक्रीम दोनों उसमें, थोड़ा थोड़ा। क्या दिख रही है प्लेटिंग, वाह, व्हाइट एंड ब्राउन। ये क्या है? नटेला चॉकलेट। अच्छा।
पाँच मिनट लगते हैं बनने के लिए, बेक होने के लिए। उसके साथ दो आइसक्रीम दिए, एक दिया है उन्होंने वैनिला फ्लेवर और एक चॉकलेट फ्लेवर का उन्होंने एक आइस ये आइसक्रीम क्यूब दिया है। तो अभी इसको खाते हैं दोनों थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मिक्स करके। ये जो है ये बहुत ठंडा होता है और जो वॉफल है ये गर्म होता है। तो दोनों का जो मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका। ये है भी बहुत क्रंची और इसका फ्लेवर भी बहुत सही आ रहा है। कितना मस्त दिख रहा है ये वाइट ब्राउन दोनों कलर मिक्स। कितने साल हो गए आपको ये वाला शॉप ओपन करके? इसको 1.5 साल हुआ लगभग। तो पूरे 2 साल तो लॉकडाउन में गए वैसे, बट ये साल तो था ही कि हमारा एक जो ग्रिप पकड़ सके, अब ग्रिप पकड़ लिया वैसे उसने, देख लिया क्या होता है। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि प्रमोद मेरा क्लासमेट था, तो हम इंजीनियरिंग में एक साथ थे। मेरा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसका था सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग से ये फूड लाइन में आना कैसे हुआ? एक बैकअप प्लान बोलकर हम आया वैसे तो। मेरा तो वैसे बाजू में ब्रांड्स एंड क्लोथिंग भी है। तो इनका जो सॉफ्टी कॉर्नर तो 2 साल पहले खुला है, उसके और 3-4 साल पहले कुछ ब्रांड्स एंड क्लोथिंग इनका एक बहुत बड़ा स्टोर है, सुदगिरनी एरिया पे ही है, इसके बाजू में ही है। दोनों एक साथ स्टोर ये संभालते हैं। तो इसको एक मिनट डिप, इसको डिप कर रहे हैं हॉट चॉकलेट है, हॉट चॉकलेट में, और ये बाहर आके ये सॉलिड बन जाता है ना? हाँ सॉलिड बन जाता है, मतलब फ्रीज हो जाता है। बाहर से इसको रहेगी एकदम हार्ड कोटिंग और अंदर से सॉफ्ट वैनिला आइसक्रीम रहेगा। तो यही है वो आइकॉनिक सॉफ्टी जिसके ऊपर पूरा इनके शॉप का नाम है सॉफ्टी आइसक्रीम। देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है ये। बाहर से पूरा हार्ड कोटिंग और अंदर पूरा सा एकदम स्मूथ वैनिला आइसक्रीम, इसका नाम है चॉको डिप। अंदर वैनिला आइसक्रीम, इसमें और अलग अलग फ्लेवर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो पहले तो क्लोथिंग फील्ड में ही आए और उसके बाद अभी ये फूड बिजनेस में भी आए, तो ये जर्नी कैसी थी? ये तो एक साइड बिजनेस के हिसाब से हमने स्टार्ट किया था, बट अब लग रहा है कि एक मेन बिजनेस बन सकता है, आइसक्रीम हो क्या फूड बिजनेस हो, और वो भी एक साइड बिजनेस ही था, वो भी मेन बिजनेस बन गया, अब इसको भी हम मेन बिजनेस बना रहे हैं वैसे। तो सबसे मेन जो डिशेस है सॉफ्टी कॉर्नर की वो कौन सी? एक तो मुझे पता है कि जो सॉफ्टी आइसक्रीम जो तो होती है वो तो फेमस है औरंगाबाद में, सबसे फेमस 28 साल पुरानी ट्रेडिशन है सॉफ्टी की। हाँ, वही औरंगाबाद का एक थीम है, एक आइसक्रीम में एक सॉफ्टी में एक अकेले सॉफ्टी कॉर्नर ही है 28 सालों से।
बेस्ट में तो चोको डिप जो है वो हमारा एक बेसिक है बट सबसे अच्छा है, वही ट्राई किया था मैंने, चोको डिप ट्राई किया, चोको डिप बहुत अच्छा है अपना। और उसमें सॉफ्टी में लगभग अपने पास 20 टाइप्स है, अलग 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 टॉपिंग्स है, अलग अलग जैसे आपको चाहिए ड्राई फ्रूट्स चाहिए, नटेला चाहिए, न्यूटेला में है, बाद में आपको न्यूटेला बेस नहीं चाहिए तो प्लेन वैनिला अपना सबसे अच्छा। और फिर इसका जो भी मटेरियल आता होगा जैसे कि डेयरी मिल्क या प्रोडक्ट, तो वो आप कहाँ से लेते हैं सब? वैसे तो बेसिकली निराला बाजार से ही आता है सब कुछ, क्योंकि उनका ट्रेडिशन जो 28 इयर्स का है वो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो जो क्वालिटी निराला बाजार पे होती है वही सेम यहाँ पे भी मेंटेन होती है? हाँ सेम सेम सेम, क्योंकि सब रॉ मटेरियल जो है वो निराला का ही, तो वही मेन ब्रांच ही सारा रॉ मटेरियल आता है, तो उसमें और इस शॉप में आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा, सब कुछ मेंटेन रहेगा क्वालिटी और सारे प्रोडक्ट्स। और फिर सॉफ्टी कॉर्नर के साथ ही एक कैफे का भी थीम है ना, डेजर्ट विला कैफे भी सॉफ्टी कॉर्नर के, उसका ही एक्सटेंशन आप समझ लीजिए। हाँ उसका एक्सटेंशन सिडको में किया अभी, उसके दो स्टोर है डेजर्ट विला के, एक है सिडको में कैनॉट प्लेस में और एक निराला बाजार में ही सॉफ्टी कॉर्नर के ही बाजू में ही डेजर्ट विला कैफे भी, उनका ही एक्सपेंशन होगा वहाँ पर यहाँ। तो थैंक यू प्रमोद। तो आप देख सकते हैं हमने आज यहाँ पे तीन डिशेस ट्राई की, एक था उनका सॉफ्टी, एक हमने वॉफल एक ट्राई किया और एक हमने मैंगो मस्टर्नी ट्राई की। अगर आपको भी देख के ये खाने का मन कर रहा होगा, वैसे भी अभी गर्मी के दिन आ गए हैं, तो आप यहाँ पे इनके शॉप पे आके ज़रूर खा सकते हैं। और इनके सभी अगर लॉकडाउन होगा तो जोमेटो और स्विगी दोनों पे अवेलेबल है, तो आप उस पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, यू वॉन्ट रिग्रेट इट, बहुत अमेजिंग और ज़बरदस्त टेस्ट है, और गर्मी के दिनों में तो ला जाओ। तो ये है प्रमोद बाबर, टारगेट नहीं ट्रिगर मतलब स्टॉप लॉस है, इधर खत्म हो जाएंगे, मतलब उड़ेंगे स्टॉप लॉस है ना, तू अभी चालू